थगना दिलोरी तेरी अम्मा दुआवे अम्मा दे हथों वेल भी आवे अबा वंडे खंड बोरियां शकर दियां रोड़ियां चन मेरा बाल खड़ा ख्वाजा सरा बनी है कब से बनी तकरीबन 17-18 साल हो गए 17-18 साल का अरसा हम भी तो आपके मुआशरे के हिस्सा है एक ना ठीक है हमारा भी हक है आपके घरों में हम लोग आपसे उधार ही मांगते 10-5 अल्लाह के नाम पे मांगते हैं तो प्लीज़ हमारी 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 ना हमारी तरफ देख दिया करें प्लीज़ हमें तंग ना किया करें हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन जाट, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक राजा सरा के पास, बहुत ही प्यारा, क्या नाम है आपका? बाली जट्टी है यार दी, जग जाने में डोलना। नाज़रीन आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में ये सदियों से सिलसिला चलता आ रहा है ख्वाजा सरा। एक ख्वाजा सरा होता है पदेशी, एक होता है माशरे में उसको बना दिया जाता है, एक शौकिया तौर पे होता है, एक डांस परफॉर्मेंस करने के लिए होता है और एक बधाइयाँ मांगने के लिए और गंदियाँ जराइयाँ मांगने के लिए। क्या नाम है आपका बताया आपने? बाली जट्टी। बाली क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? मैं बाहर जाती हूँ डांस करती हूँ। बस डांस करती आप पदाशी ख्वाजा सर? बस समझ ले नहीं मैं दसो ना तुझे। हाँ जी हूँ ना। अच्छा तो आड़ा इलाका केड़ा है थे? सर इलाका शेखपुर से परे परे। शेखपुर तो परे परे ते बधाइयाँ मंगन जाते हो तो किन्नी की खैर पाई? हर घर के हिसाब से होती। नादरीन हमने आपको आज ख्वाजा सरा की जो दिल की बातें होती हैं ना वो बतानी हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ख्वाजा सरा की ज़िंदगी कैसे गुजरती है और आम इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो आपने बताना है मुझे बाली जट्टी साहब के जब बधाई मांगने जाते हैं तो दिल बर्दाश्त क्यों होते हैं, जब कोई ऐसा वाक़या बता दें? घर वाले बात ऐसी कर देते जिससे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। आपकी मेहनत नहीं देते? देते हैं पर देते हैं तो तरसा के देते हैं। तरसा के देते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं घर वालों को? मैं बस यही कहना चाहती हूँ अगर आपको अल्लाह बेटा दे या सेहरे लगे तो खुदा देते तो है ना आपको, हमारा हक भी हमें दें। बिल्कुल अच्छी बात है। तो कम दें ज़्यादा दें पर दें प्यार से इज्जत से दे दें। आपका ग्रुप जाता है पूरा या अकेली जाती है? ग्रुप जाता है हमारा। आप मुझे सॉन्ग वगैरह सुनाती हैं वहाँ पर जाके बधाई वाला? सुनाते हैं सब गाने भी सुनाती हैं। अब तो खैर मेरे पास खुशहाल दी थोड़ा। अगर बेटा हो तो हम कहते हैं सगना दी लोहरी तेरी अम्मा दुआवे, सगना दी लोहरी तेरी अम्मा दुआवे, अम्मा दे हथों वेल भी आवे, अबा वंडे खंड बोरियां शकर दियां रोड़ियां चन मेरा बाल खड़ा, बाल खड़ा लोरियां लैवन वाले चन मेरा बाल खड़ा। अच्छा आप बाल खड़ा ये जब परफॉर्म करती हैं तो वो क्या खुशी से पैसे देते हैं? ज्यादा पैसे देते हैं। तो बाली जट्टी आप मुझे ये बताएं कि आप जो ख्वाजा सरा बनी हैं कब से बनी हैं? तकरीबन 17-18 साल हो गए। 17-18 साल का अरसा, गुर्बत की वजह से या माशरे की लानत जो मिलती है ख्वाजा सराओं को उसकी वजह से, क्या वजह थी आप? गुर्बत की वजह से। तो गुर्बत की वजह इतनी ज़्यादा थी कि आपने 17 साल अपनी जवानी जो सारी इसी काम में लगा दी? जी। आपकी शादी नहीं हुई? ख्वाजा सराय बनते रहे आप, पदाशी नहीं है आप? अच्छा जो आपके इलाके में बधाई मांगने आते हैं आप उसका क्या हाल करते हैं? मेरे सुनने में आया कि जो ख्वाजा सरा होते हैं ना उनके इलाके होते हैं महदूद, उनमें एक गुरु होता है, अपने गुरु का थोड़ा तारफ करें फिर बाद में बात करें। हमारे गुरु तो बहुत नाइस है, वो किसी को तंग नहीं करती। क्या नाम है आपके गुरु का? गुरु मेरे का नाम है आसिया। आसिया वो पदेशी हैं? वो पदेशी हैं। वो शुरू से हैं? वो किसी को तंग नहीं करती, कुछ नहीं किसी को कहती वो। अच्छा आप उसके चेले हैं, गंडा बंद चेले हैं? अगर कोई आ भी जाए ना उसे प्यार करते बेटा ये हमारा इलाका है तो बधाई ना लेना, 10-5 मांग लो तो मांग लो पर किसी को तंग ना करना, हमारा खाना खाना। अच्छा आपकी तरफ से क्या एक्शन होता है जब आपके इलाका में जो ख्वाजा सरा आते हैं मुख्तलिफ दूसरे जो ख्वाजा सरा होते नहीं हैं लेकिन बेस बदल के ग्रुपिया बेस अपने आप में डाल के आपकी जो वधाई होती है जो जुमेरात जुमा मांगने आते हैं मांगत करते हैं आप तो वो घरों से पैसे ले जाते हैं तो जब वो पकड़े जाएं फिर क्या हाल करते हैं आप उनको? बस ना हम लोग प्यार से समझाते बेटा आप हमारा हक ना खाएं, वधाई किसी के लो ना 10-5 दिन तक। प्यार से समझाने वाली तो बात झूठ है, मैंने यहाँ पर ना देखा उसको ढोलकी वाला भी पीट रहा है, उसको वाजे वाला भी पीट रहा है, उसको पकड़ पकड़ के हाईवे तेरे जान निकले हाईवे तुम मरे हाईवे तेरे ते लाश आवे। वो और लोग होते हैं हमारे। आपका जो गुरु है? हमारी गुरु नहीं करती वो। गुरु के कितने चेले हैं आपके? गुरु के हैं 15-20 चेले हैं। पंद्रह बीस चेले? क्या आप गुरु को कुछ नज़र न्याज करती हैं?
सिर्फ ईश बरात पे। तो आपका जो गुरु है वो जब आप उसके साथ जाती हैं तो बाहर निकलती हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि ये आपके उस्ताद हैं, तो आप बेफिक्र होकर निकलती? बेफिक्र होकर है। अच्छा, बेफिक्र। जब आप उसकी चेला बनती हैं तो वो क्या तरीकाकार होता है चेला बनने का? सब ग्रुप पे वहाँ बैठ जाते हैं, सबके बीच में बैठ के, तो हमसे 225 रुपये लेते हैं। 225 रुपये वो लेते हैं? हाँ जी। सूट वगैरह नहीं देते? सूट भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं, बाली भी पहनाते हैं, सब पे हमें चूड़ियों के पैसे देते हैं, फिर सब लोग सब प्यार करते हैं सब। अच्छा, लास्ट दो क्वेश्चन मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही कि जब इंसान अच्छा भला होता है, अच्छा भला अल्लाह ने पैदा किया होता है, एक बेटा है तो वो इंसान है, लड़का है, बॉयज है, वो जब ख्वाजा असरा की दुनिया में चला जाता है, ख्वाजा असरा बन जाता है, फिर लौट के वो वापस अपनी दुनिया में नहीं आता, तो क्या तकलीफ़ होती है जब आप लोग आपको ताने देते हैं? साहब पता क्या बात है, फिर ये ना हमारे में लोगों में अब एक रूह होती है, ठीक है ना, इसकी वजह से ना वो इस ग्रुप में आ जाते हैं, जब वो वापस जाते हैं फिर लोग उसको कबूल नहीं करते, फिर उसको मारते हैं, पीटते हैं, फिर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। अच्छा, कोई जो पैदाशी नहीं होते लेकिन उनको जो बाद में होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी कसर तो होती है? बहुत ज़्यादा कसर होती है। जिस तरह मकना तीस को खींच लेता है, इस तरह आप गुरु के पास चले जाते हैं, इस काम में लग जाते हैं? जी, वो एक रूह होती है, रूह की वजह से ना गुरु के पास चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो मुझे एक बात बताएँगे, ये जो ख्वाजा सरा की ज़िंदगी है, अगर कोई बंदा अपनाना चाहे तो क्या पैगाम देंगे उनको कि अपनी असल ज़िंदगी में रहे या इस दलदल की जलालत में आए? मैं कहती हूँ जो अपने घरों में ना, तो कभी इस दलदल में ना आए, बहुत गहरी दलदल है ये वाली, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। अगर घुस गया तो फिर गुस्सा आगे आगे घुसते जाना, तो बाहर नहीं निकल सकता कोई भी। तो पैगाम देना चैनल की वजह से कि जो लोग आपको ताना कशी करते हैं, आपको धक्के देते हैं, आपको वधाई नहीं अच्छी देते, जब मांगने जाते हैं तो नफरत की निगाह से देखते हैं, तो उनको बताएं, ज़रा को मैसेज दें। देखिए सर, हम भी तो आपके मुआशरे के हिस्सा है एक ना, ठीक है, हमारा भी हक है आपके घरों में, हम लोग आपसे उधार ही मांगते, 10-5 अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, तो प्लीज़ हमारी तरफ देख दिया करें, प्लीज़ हमें तंग ना किया करें। अच्छा, आपके जो साथ होते हैं डांस परफॉर्मेंस भी करते हैं जो? जी 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 है, सब डांस, सब ख्वाजा सरा का नाम ही डांस है। डांस है? अच्छा, सारे स्टेप लगते हैं? सारे स्टेप लगते, सब डांस, ख्वाजा सरा होते डांस है। अच्छा, म्यूजिशियन आपके साथ अटैच हुए होते हैं जो ढोलकी वाला, बाजे वाला, हारमोनियम पे बैठा होता है? हाँ जी, सब हमारे साथ अटैच होते हैं। गुरु साथ जाता है आपके? गुरु साथ, गुरु के बगैर बधाई मिलती नहीं है। तो बाली जट्टी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि इनका कहना था कि हमारे अंदर भी एक दिल होता है, हम भी इंसान हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम आपकी खुशियों को दुबला करते हैं, आपकी खुशियों को चार चांद लगाते हैं। जब आपके घर खुशी आने वाली होती है तो हम दुआएँ मांगते हैं, तो जब अल्लाह पाक आपको चांद सा बेटा देता है तो आप अपनी माथे पर आँखें रख लेते हैं, फिर हमें दुदकारते हैं, तो ये हमारे दिल से बहुत दुख होता है, और हम दिल से दुआ फिर भी देते हैं आपको। तो इनका ये मैसेज था कि ये चैनल की वसादत से आने न्यूज़ की, कि जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं ख्वाजा सरा की इज़्ज़त करें, ये शौक़ और मज़े के साथ ख्वाजा सरा नहीं बनते, ये माशरे में गुरबत की वजह लगा लें, या इनको एक परेशानी है उसकी वजह से लगा लें, या इनकी जो एक कसर है वो उसकी वजह से लगा लें, या कोई पैदाइशी है, या ये बाली जटी है, 17 साल से ये ख्वाजा सरा बनी है अपने घर वालों को पालने के लिए, अपने पेट पालने के लिए। तो इनकी दुआएँ लें, इनके साथ बदतमीज़ी ना करें, इनको जब वधाई दें और अच्छे तरीके से दें, और कहते हैं कि कोई भी मंगता हो उसको देकर भीख, और उसको कहना चाहिए कि जा तेरा भला हो। तो नाज़रीन, इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल एन ए न्यूज़ को वॉच करें। अपने मेज़बान मोहसिन जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।